कुछ कंधे हैं जो बस्तों के भार से नहीं, जिम्मेदारियों और परिस्थितियों की मार से झुके हैं। वो कदम जिन्हें स्कूल के मैदान में भागना चाहिए, वो घर की दहलीजों से आखिर क्यों बंधे हैं? वो बच्चे जिन्हें अपने हम उम्र साथियों के साथ खुले आकाश में उड़ने की बातें करनी थी, वो आज काम की तलाश में क्यों चले हैं? चलो एक नया सवेरा लाते हैं, इन्हें स्कूल पहुंचाते हैं, नया सीखते हैं, नया सिखाते हैं। इस मतलबी दुनिया में कुछ भी मतलब का कर जाते हैं। चलो इन्हें स्कूल पहुंचाते हैं। नमस्कार, सेज यूनिवर्सिटी। सेज मतलब संत। संत जो है अपने समस्त लोगों को समभाव से देखता है, यही सोच हमारी है और इसी सोच ने हमें मजबूर किया कि हम एक इनिशिएटिव लें। ये इनिशिएटिव किसके लिए लें? ये इनिशिएटिव हम उन लोगों के लिए लें जहां पर हमारे भारत का दिल बसता है, यानी कि हमारा रूरल एरिया, यानी कि गाँव के बच्चे। गांव के बच्चों को इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे बड़ी चुनौती जो आई वो ये आई कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कैसे अर्बन एरिया के बच्चों के साथ में कदम ताल कर सकें और नए भारत की तस्वीर बना सकें। इसीलिए हमने जो है ये इनिशिएटिव लिया और रूरल एरिया के बच्चों को हमने टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए हमारी वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस ये सब अरेंज की और हम अपने रूरल के बच्चों को जो है नए भारत की तस्वीर करने में किसी भी स्थिति में पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी ध्येय से हमारा ये इनिशिएटिव है, क्योंकि सेज विश्वविद्यालय हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। ट्रू सेज फाउंडेशन, एक बड़े सफर की ओर एक छोटी सी कोशिश, जहां हम जुड़ते हैं इन बच्चों को एक उज्जवल भविष्य से जोड़ने के लिए, इनके सपनों को पंख और आकांक्षाओं को नया आयाम देने के लिए। ट्रू सेज फाउंडेशन, क्योंकि शिक्षा है हर बच्चे का हक। हाँ।